जालौन के कुठन थाना क्षेत्र में एक कलीगी बेटे ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से काटकर निशंस हत्या कर दी। वही मामले में सूचना मृतक के परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है और जाँच पड़ताल शुरू कर दी। बता दें कि कुठौत थाना क्षेत्र के ग्राम मड़ौरा निवासी हरिनारायण अपने घर पर था, तभी पिता और पुत्र के बीच कुछ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। मामली कहासुनी के चलते विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर बेटे ने घर के आंगन में रखी कुल्हाड़ी से पिता पर अनगिनत प्रहार करते हुए हत्या कर दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वही मामले की सूचना परिजनों व ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिन में लगभग 2:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मड़ौरा में हरि नारायण इलियास बड़े पुत्र मुलू प्रजापति इनके हत्या कर दी है इनके लड़के ने उमाशंकर ने। इस सूचना पर पुलिस मौके पर आई तो इनका शव इनके घर पर पड़ा हुआ मिला, जहां इनके सर पर और बाईं ओर से कई वार हैं कुल्हाड़ी से। जो उमाशंकर है वो पुलिस की हिरासत में आ गया है, उसके पास से कुल्हाड़ी भी बरामद हो गई है। पहले भी ये गुजरात में कहीं पर इसके विरुद्ध मारपीट का केस दर्ज है। एग्रेसिव स्वभाव का है, जैसा गाँव में और घर वालों से मालूम पड़ा है। ये जांच की जा रही है कि क्यों उसने ऐसा किया, ऐसी कोई निश्चित बात नहीं है, लेकिन ये जानकारी हुई कि हरिनारायण मृतक के लड़कों में एक लड़का और है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो ऐसा लगता है कि कोई घरेलू विवाद है जिसके कारण ऐसा कदम इनके लड़के ने उठाया।